Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आज मैं आप लोगों के लिए BSc second year botany का एक important topic लेकर आई हूँ, मृदा परिच्छेदिका, जिसे English में soil profile कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मृदा परिच्छेदिका क्या है। आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो मृदा परिच्छेदिका भूमि के अंदर गहराई तक की खड़ी काट को कहते हैं। जमीन के अंदर गहराई तक की खड़ी काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। आपको चलिए मृदा परिच्छेदिका का डायग्राम दिखाती हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप, ये भूमि की गहराई तक की खड़ी काट है जिसे हॉरिजॉन में बांटा गया है। ट्रेंच के रूप में दिखाई देने वाली मृदा या भूमि की गहराई तक खड़ी काट को ही मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताई कि भूमि के अंदर की खड़ी काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, वो किसके स्वरूप दिखाई देता है? ट्रेंच के स्वरूप। मृदा के विकास के दौरान होने वाली प्रक्रियाओं द्वारा धीरे धीरे कई स्तरों का निर्माण होता है। जब मृदा का सॉइल का मिट्टी का जब विकास होता है तो धीरे धीरे वो कई स्तरों में संस्तरों में बढ़ जाते हैं। इस तरह से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ए हॉरिजॉन है, ए हॉरिजॉन है, यहाँ से यहाँ तक बी हॉरिजॉन है, यहाँ से यहाँ तक सी हॉरिजॉन है, यहाँ से यहाँ तक आर हॉरिजॉन है। तो जब मृदा का विकास होता है तो इस तरह के हॉरिजॉन में बढ़ जाते हैं। इन संस्तरों लेयर्स के अनुक्रम या स्वभाव को भी मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। मृदा परिच्छेदिका में निम्नलिखित संस्तर या हॉरिजॉन होते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन ए देखेंगे। यह भूमि की सबसे ऊपरी स्तर है जिसे शीर्ष मृदा टॉप सॉइल कहते हैं। डायग्राम दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट ए हॉरिजॉन में आता है, इसे ही शीर्ष मृदा टॉप सॉइल कहते हैं। अब आगे देखते हैं, इस हॉरिजॉन में ही प्रमुख जैविक क्रियाएं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज संपन्न होती है, क्योंकि यहीं पर पौधों की पत्तियां एवं मृत भागों, जंतुओं के मृत शरीर तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों का कवकों एवं जीवाणुओं द्वारा अपघटन होता है। जो ए हॉरिजॉन है वो भूमि का सबसे ऊपरी परत है, ऊपरी स्तर है, और यहीं जब पेड़ से पत्तियां गिरती है तो ए हॉरिजॉन में गिरती है। जीव जंतुओं का मृत शरीर यहीं ए हॉरिजॉन में ही ढक जाता है और कवक और जीवाणुओं द्वारा यहीं इनका अपघटन होता है। इस क्रिया के फल स्वरूप ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। जब जीव जंतुओं के मृत शरीर, पौधों की पत्तियों, ये सब का अपघटन होता है कवक तथा जीवाणुओं के द्वारा, तो इसके फल स्वरूप ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ बनते हैं जिसके कारण मृदा की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि होती है। ए हॉरिजॉन की मिट्टी प्रायः बलुई सैंडी होती है, बालू की तरह होती है ए हॉरिजॉन की मिट्टी, जिसके कारण मृदा का समुचित वातायन होने से पौधों की जड़ें इनमें आसानी से वृद्धि करती है। ये वातावरण के संपर्क में होते हैं ए हॉरिजॉन, क्योंकि ये सबसे ऊपर के हॉरिजॉन है, ऊपर के परत है, और इसमें पौधे अच्छे से वृद्धि कर पाते हैं और इनकी मिट्टी बलुई होती है। अब देखेंगे हॉरिजॉन ए को निम्नलिखित चार उप हॉरिजॉन सब हॉरिजॉन्स में बांटा गया है। पहला नंबर देखेंगे O1 हॉरिजॉन। यह ए हॉरिजॉन का सबसे ऊपरी स्तर है। डायग्राम में देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक O1 हॉरिजॉन है और ये ए हॉरिजॉन के सबसे ऊपर का स्तर है।
आगे देखते हैं, जो कि तुरंत गिरी हुई पत्तियों, शाखाओं, पुष्पों, फलों एवं जंतुओं के मृत शरीर से ढका रहता है। यहाँ पर इन पदार्थों का अपघटन नहीं हो पाता है। यह ऊपर का स्तर है, इसलिए यहाँ पत्तियाँ, शाखाएं, पुष्प, फूल और जंतुओं का मृत शरीर से ये वाला हॉरिजॉन ढका होता है, लेकिन यहाँ पर इनका अपघटन नहीं हो पाता है। अब दूसरा नंबर देखेंगे, O2 हॉरिजॉन। यह स्तर O1 हॉरिजॉन के ठीक नीचे स्थित होता है। डायग्राम में देखते हैं इसे भी। यहाँ देखिए O1 के ठीक नीचे O2 हॉरिजॉन। यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है और वो O1 हॉरिजॉन में नहीं होता है। इस स्तर में कवक, जीवाणु एवं एक्टिनोमाइसिटीज जैसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो कि उपर्युक्त कार्बनिक पदार्थों का जैविक अपघटन करते हैं। कौन से हॉरिजॉन में? O2 हॉरिजॉन में। अब देखेंगे तीसरा नंबर, A1 हॉरिजॉन। यह कार्बनिक पदार्थों से भरपूर गहरे रंग का होता है। यहीं पर कार्बनिक पदार्थ मृदा में उपस्थित खनिज पदार्थों, मिनरल मैटर के साथ मिलकर ह्यूमस का निर्माण करते हैं। कार्बनिक पदार्थ खनिज में उपस्थित खनिज पदार्थों से मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ह्यूमस का निर्माण करते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। अतः इस स्तर में उपस्थित पदार्थों को ह्यूमिक या मिलेनाइज्ड प्रदेश कहते हैं। वनों की भूमि में इस संस्तर की गहराई घास भूमि की अपेक्षा कम होती है। वन मतलब जंगल में घास भूमि की अपेक्षा, ग्रासलैंड की अपेक्षा इसकी गहराई कम होती है। अब देखेंगे चौथा नंबर, A2 हॉरिजॉन। A2 हॉरिजॉन A हॉरिजॉन का सबसे आखिरी स्तर है। यह हल्के रंग की मृदा युक्त स्तर है, जो कि A1 प्रदेश के ठीक नीचे उपस्थित रहता है। आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। ये वाला हॉरिजॉन A2 हॉरिजॉन है, A1 हॉरिजॉन के ठीक नीचे उपस्थित है। इस क्षेत्र में उपस्थित खनिज पदार्थ बड़े आकार के होते हैं तथा उसमें बालू की अधिकता रहती है, जबकि कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है। A2 हॉरिजॉन में बालू अधिक होते हैं जबकि कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं। इसे पोर्ट सोलिक या इलुवियल प्रक्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि अत्यधिक वर्षा होने पर इस क्षेत्र में उपस्थित खनिज पदार्थ एवं कार्बनिक पदार्थ निचले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र का रंग हल्का हो जाता है। अब देखेंगे दूसरा नंबर, हॉरिजॉन बी। हॉरिजॉन ए के नीचे उपस्थित हल्के रंग की अधोभूमि सब सॉइल के स्तर को ही हॉरिजॉन बी कहते हैं। डायग्राम में देखते हैं। यहाँ देखिए ए हॉरिजॉन के ठीक नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक बी हॉरिजॉन है। इस हॉरिजॉन की प्रमुख विशेषताएं अग्रलिखित है। पहला नंबर पे है, इस स्तर में वर्षा का जल धीरे धीरे रिश कर एकत्रित होता है। जब पानी आता है मतलब जब बारिश होती है तो जल धीरे धीरे रिश कर बी हॉरिजॉन में एकत्रित हो जाती है। अब देखेंगे दूसरा नंबर, इस स्तर की मृदा में घुली हुई मृतिका, आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम कार्यकर्ता है। अतः इस क्षेत्र को वाहित सूक्ष्म कणों के सांद्रण का क्षेत्र भी कहते हैं। सूक्ष्म कण मतलब छोटे से छोटे कण, सबसे छोटे कण को कहते हैं। तीसरा नंबर है, इस स्तर में केवल बड़े बड़े वृक्षों की गहराई तक जाने वाली जड़ें ही प्रवेश कर पाती है। जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जैसे बरगद, पीपल के, उनके जड़ ही बी हॉरिजॉन में प्रवेश कर पाती हैं। अब तीसरा नंबर देखेंगे, हॉरिजॉन सी। यह बी हॉरिजॉन के ठीक नीचे उपस्थित खनिज हॉरिजॉन है। आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक बी हॉरिजॉन था, इसके नीचे ये वाला हॉरिजॉन सी हॉरिजॉन है।
इस स्तर में ह्यूमस एवं सूक्ष्म जीवों की का अभाव होता है। जो सी हॉरिजॉन है यहाँ ना ही ह्यूमस बनते हैं और ना ही सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यह स्तर पूर्ण रूप से निक्षालित चट्टानों का बना होता है। पौधों की जड़ें इस प्रक्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, क्योंकि यह बहुत गहरा स्तर है और बड़ी बड़ी जो जड़ें होती हैं वो बी हॉरिजॉन में ही प्रवेश कर पाती हैं, उससे नीचे नहीं कर पाती। यहाँ जैविक क्रियाशीलता अल्प अथवा अनुपस्थित रहती है, जैविक क्रिया यहाँ नहीं होती है। चौथा नंबर है आर हॉरिजॉन। यह अनिक्षालित पित्री चट्टानों का बना होता है जिसके ऊपर जल एकत्रित रहता है। आर हॉरिजॉन के ऊपर जल एकत्रित रहता है, इकट्ठा रहता है। हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।